जीएसटी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के रिट पटिशन फ़ाइल की जा रही हैं हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी सारी पटिशन्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट पटिशन फाइल की गई है कोलकाता हाई कोर्ट में दोस्तों ये पटिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी आप देख रहे हैं नवम्बर ट्वेंटी ऑनवर्ड्स आपको ऑटो पॉपुलेटेड जी एस टी आर थ्री बी प्रोवाइड कराई जा रही है जी एस टी पोर्टल पर जिसके अंदर जब आप आई टी सी क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेड अलर्ट शो होता है अगर आपका आई टी सी रूल थर्टी सिक्स सब रूल फोर के अकॉर्डिंग नहीं है अगर आपके आई टी सी जो ऑटो पॉपुलेट है और आपकी जो फिगर्स हैं उनमें टेन परसेंट से ज़्यादा वेरियंस आता है तो वहाँ पर वो आपको रेड अलर्ट शो कर रहा है तो उसी से रिलेटेड ये पटिशन फ़ाइल की गई है बहुत इंपॉर्टेंट पटिशन है और इसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंटर एंड स्टेट को तो हमारा जो पटिशनर है एल जी डब्ल्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड उसने कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है वैलिडिटी एंड वायर्स ऑफ रूल थर्टी सिक्स सब रूल फ़ोर ऑफ सी जी एस टी रूल डब्ल्यू पी जी एस टी रूल एंड सेक्शन फोर्टी थ्री ए सब सेक्शन फ़ोर ऑफ सी जी एस टी एक्ट इट वॉज कंटेंटेड बाय द पटिशनर दैट रूल्स थर्टी सिक्स सब रूल फ़ोर जो है हमारा सी जी एस टी रूल्स का ड्रॉइंग इट्स पावर फ्रॉम सेक्शन फोर्टी थ्री ए सबसेक्शन फोर हमारा जो रूल थर्टी सिक्स सब रूल फोर है उसको पावर मिलती है हमारे सेक्शन फोर्टी थ्री ए सबसेशन फोर ऑफ सी जी एस टी एक्ट से विच इज बी नोटिफाइड नहीं हुआ है वो notify अभी होना है हमारा सेक्शन जिस सेक्शन से रूल पावर लेगा वो सेक्शन अभी नोटिफाई होना है रिस्ट्रिक्ट आई टी सी अवेलेबल टू बायर ऑफ गुड्स और सर्विसम ऑफ टेन परसेंट ऑन basis ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द कॉमन पोर्टल और रूल क्या रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप केवल टेन परसेंट ही आईटीसी ले सकते हैं टेन परसेंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी टी आप ले सकते हैं उन इन्वॉइसिस का जो भी आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं द काउंसिल फॉर पटिशनर आर्ग्यूड ऑन द ग्राउंड दैट सेक्शन फोर्टी थ्री ए सबसेक्शन फोर एंड रूल थर्टी सिक्स फोर पुट ऑन ऑनरज एन इम्पॉसिबल बर्डन ऑन द बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सम हाउ एन्श्योर दैट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज इन फैक्ट अपलोड द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑन द कॉमन पोर्टल एंड इफ सप्लायर फेल टू डू सो इट अंडरगोज द रिस्क ऑफ बींग डिनाइड द बेनिफिट ऑफ आई टी सी तो यहाँ पे बताया है कि ये जो रूल है ये एक इम्पॉसिबल बर्टन डालता है हमारे बायर पर यानी कि बायर पर क्या इम्पॉसिबल बर्टन है कि आपके सप्लायर जब तक कि अपनी इन्वाइसिस अपलोड नहीं करेगा आप उसका आई नहीं ले सकते तो मेक श्योर sure कि आपके सप्लायर ने वो इन्वाइसिस अपलोड कर दिए हैं विच इज़ इम्पॉसिबल हाउ कैन ही मेक श्योर कि वो उसका सप्लायर जो है वो अपलोड कर चुका है या उसका सप्लायर जो है वो उसे अपलोड कर दे नाउ दिस इज़ वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी वॉयलेट कर रहा है एज मच एज इट ट्रीट बोथ द इनोसेंट परचेजर एंड गिल्टी परचेज़र अलाइक यानी कि जिसमें एक इनोसेंट एक परचेज़र है जिसने माल खरीदा पेमेंट करी और एक जो गिल्टी परचेज़र है जो टैक्स इवेड करता है तो इसमें तो दोनों के लिए ही सेम हो गया इनोसेंट परचेजर भी इसके अंदर फंस रहा है उसका भी आई टी सी आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे आर्टिकल फोर्टीन को भी वोलेट करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ़ आई टी सी द बेनिफिट ऑफ आई टी सी टू अ बोनाफाइड परचेजर ओनली बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस टू अपलोड द डिटेल्स ऑफ आउटवर सप्लाई ऑन द कॉमन पोर्टल ओवर विच इट हैज़ नो कंट्रोल हु सो एवर इज़ आर्बिट्री एंड इ रेशनल तो यहाँ पर कहा कि आप एक परचेजर को रोक रहे हैं आई टी सी लेने से एक बोनाफाइड परचेजर को एक जेन्यन परचेजर को क्योंकि उसके सप्लायर ने इन वॉइस अपलोड नहीं किया इट इज़

क्योंकि वो अगर लेट कर देते हैं अपनी फाइलिंग किसी भी वजह से तो आप परचेजर का जो आईटीसी है आप उसको रोक देते हो इट क्रिएट होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल द एस एम ई बिजनेस एंटरप्राइज दैट फाइल देयर रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस यस इट ऑल्सो हैपन्स कि क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो आप ऑप्शन देते हो कि अगर आपका टर्नओवर ओवर डेढ़ करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली जी एस वन फाइल कर सकते हो ऐसे केस में आप परचेजर के आई को रोकोगे जब तक कि उसका टू में नहीं शो होता है टू में नहीं शो होता है तो ऐसे केस में क्या होगा वो क्वार्टरली बिजनेसेस से परचेज नहीं करेंगे जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनसे एंड देयरफॉर वोलेट्स आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इम्पैक्ट्स देयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट बार्गेनिंग पावर And consequently, severely impacts their ability to continue business and therefore violates Article 19 of the Constitution. The ITC availed after satisfying the condition of Section 16 of the Act is property of the taxpayer, and therefore, keeping ITC in suspended animation causes the डिप्रीवेशन ऑफ़ द पटिशनर इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड देयर फॉर इट वोलेट्स आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर टैक्सपेयर सेक्शन सोलह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो टैक्सपेयर की प्रॉपर्टी हो जाता है और आप उस आई टी सी को सस्पेंड कर रहे हैं विच मीन्स आप उसे डिप्राइव कर रहे हैं उस इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से जो कि आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए का भी वोलेशन है अगर आपका टैक्स पेयर सेक्शन सिक्सटीन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका राइट है उस आई टी सी को क्लेम करना इन रिस्पॉन्स टू दिस रिट द सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस शेखर बी सराफ हैज़ इशूड नोटिस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को उसने नोटिस इशू किया टू फाइल इट्स एफिडेविट इन अपोजिशन विद इन फोर वीक्स के अंदर आप एफिडेविट फाइल कीजिए इसकी रिप्लाई दीजिए इफ़ एनी टू वीक्स देर आफ्टर तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रेज किए गए रूल थर्टी सिक्स अब रूल फ़ोर की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के कि जो रूल है ये उस सेक्शन से जिस सेक्शन से पावर ले रहा है पहले तो वो सेक्शन ही अभी नोटिफाई नहीं हुआ है और अगर आप उस सेक्शन को देखेंगे तो उसमें ट्वेंटी परसेंट की रिस्ट्रिक्शन दिखाई गई है लोग के अंदर तो वो सेक्शन ही अभी नोटिफाई नहीं हुआ है इंस्टेंट आप इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं और इस रूल के द्वारा आप एक जेन्यन जो टेक्स परचेजर है उसका आईटीसी रोक रहे हैं और साथ ही डिस्करेज कर रहे हैं आप उन बिजनेस एंटिटीज़ को जो अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल करते हैं क्योंकि उनका डेटा भी क्वार्टरली ही अपलोड होगा टू ए टू बी के अंदर तो उनसे परचेज नहीं करेगा कोई तो आप उनको भी डिस्करेज कर रहे हैं इस तरह की एंटिटीज को साथ ही अगर सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप इस आई को क्यों रोक रहे हैं एक पर परचेज़र के, के केस में तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर रेस किए गए हैं इसका जैसे ही कोई जजमेंट आता है जैसे ही इस पर कोई रिस्पॉन्स आता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग